ऑलराइट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन एक्को बॉय, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो का पर्पस ये है कि मेरा एक सब्सक्राइबर है, तो वो काफी दिन से टच में था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सर्जरी मैं जा नहीं पाया, तो उसके पास शार्क्स हैं, सो ही वांटेड टू लाइक कि आप ले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, अपने जो बालकनी पॉन्ड है और इंडोर ऑस्कर पॉन्ड है उसमें हम डाल सकते हैं, बट वो बोल रहे साइजेस बड़े हैं, सो लेट्स सी, जाके देखते हैं और उनको कैसे करेंगे। ये ऊपर बैठा हुआ है चिक्की हमारा, मजे लेते हुए। और बाकी आपको अपडेट देता हूँ कि ये देखिए, अब धीरे धीरे से हल्की सी फ्रेंडली हो चुकी है। ये पहले ये छुपी रहती थी, अब ये फ्रेंडली हो चुकी है। और अब अगर मैं इसको एक फुट डालता हूँ तो ये आ जाता है, ये देखिए अभी ये फूड लेते हुए, और अब धीरे धीरे से इसका हो रहा है। अभी फिलहाल आई गेस स्ट्रेस की वजह से इसका कलर थोड़ा सा डार्क रहता है, बट अदरवाइज ये अच्छा कर रही है अभी। एंड और अब फ्रेंडली हो रही है, धीरे धीरे आ रही है, देखिए, क्योंकि इस तरीके से इसको मैं टेम कर रहा हूँ। एक खाना दिखाता हूँ और ऐसे डालता हूँ, और ये देखिए खाते हुए, सो ये काफ़ी प्यारी हो गई है। हमारा टेट्रास का, इसमें और फिश अभी ऐड करनी है, ये देखिए फिश खाते हुए, और क्योंकि इसकी कुछ तो हुआ था तो थोड़ी फिशेस चली गई थी, तो इसमें भी और ऐड करेंगे जब अगली बारी लाएंगे, तो ये अच्छा लगेगा। अब चलिए चलते हैं इंडोर पॉन्ड के पास। गाइस, इस रूम में देखिए घुसते ही जंगल वाली फीलिंग आती है। ये देखिए हमारा चार्ली वहाँ बैठा हुआ है, पीस वहाँ पे बैठा हुआ है, और टर्टल फिशेस सब मजे करते हुए। अब देखिए मैं इनको खाना डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये फिशेस यहाँ पर आते हैं, तो प्लान इसी में है कि बड़ी वाली जो शार्क है वो इसी में ऐड कर दूंगा, और क्योंकि एक बड़ी शार्क जो बता रहे हैं वाइट वाली को इसमें डाल दूंगा, क्योंकि स्पेस है इसमें, क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट 3 स्मॉल ऑस्कर्स, 2 बिग पैरट्स और 3-4 सिकलेट्स हैं, तो एक वाइट शार्क इसमें अच्छी घूमती हुई लगेगी और काफ़ी प्यारी लगेगी। एंड बाकी ये रहा हमारा मिनी पॉन्ड, ये देखिए कितना प्यारा लगते हुए, और कितनी सारी फिशेस हैं यहाँ पे, ये देखिए गाइस, ये इसका एक अलग ही व्यू आता है और काफ़ी प्यारी लगती हैं। तो इसमें हमारे मिक्स हैं रेड शॉट टेल्स और मोलीज, कप्पीज, ये देखिए, और यहाँ से ये इसका पानी गिरते हुए फिल्ट्रेशन होते हुए, और बाकी हमारी ये रही सारी फिशेज जो आप देख सकते हैं, ये रही हमारी 5 कलर टर्टल एंड देन ऑस्कर्स, और वो रही हमारी पैरट्स और सिकलेट्स घूमती रही, ये रहे हमारे चार्ली एंड देन ये रहा पीस। तो इन सबको अब खाने देते हैं, और इसी में हम आज ऐड करने वाले हैं फिशेस, देखते हैं कितनी, 2 डाल दूंगा और बाकी बाहर वाले, चलिए बाहर वाला पॉन्ड भी आपको दिखाता हूँ अभी। और रूम कुछ इस तरीके से आपका पूरा लगता है, ये देखिए गाइस, इट्स अ हेवन। ये रहा हमारा बालकनी पॉन्ड, और काफ़ी प्यारा हो रखा है, और इसके प्लांट्स देखिए, ये जो फिल्टर का ये जो मनी प्लांट रोक है बहुत अच्छा लग रहा है, वो बॉन्साई ट्री काफ़ी प्यारा लगता है, ये देखिए, एंड देन दिस इज़ आर वाटर बैम्बू, एंड ये देखिए पूरी फिशेस। तो आई गेस जो शार्क्स बता रहे हैं कि करीब 5 हैं उनके पास, तो वाइट वाली ऑलरेडी 2 हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जो एक बोल रहे हैं वाइट वाली काफ़ी बड़ी है, तो उसको मैं अंदर डालूंगा, और बाकी 3 ब्लैक वाली यहाँ डाल दूंगा, और वाइट वाली और एक ब्लैक वाली अंदर वाले पॉन्ड में डाल दूंगा। चलिए फिलहाल इनको भी मैं खाना डाल देता हूँ। तो ये इनको खाना देते हुए, ये तो एक अलग ही व्यू होता है देखने का, उनको खिलाने का। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूँ, वो वाली मेरी ओरिजिनल जापानीज हुई है जिसे सुशुई बोलते हैं, और उसका ग्रिप टाइम आप देखिए, आप बड़ी रेयर टाइप होती है ये, आपको ऐसे नॉर्मल फुल काप्स में ये कलर नहीं मिलेगा, और बहुत ही प्यारी दिखती है। तो इसी में फिश ऐड होगी,
गाइस ये वाला टब ले चल रहा हूँ मैं, क्योंकि फिशेज जो किसान सब्सक्राइबर है वो बता रहे थे कि थोड़ी फिशेज बड़ी हैं, प्लस उसको कवर वहाँ पर होंगे नहीं, कमिका इसमें हम रख लेंगे। तो चलिए अब इसको कार में डालते हैं, और प्लस मेरा दोस्त आ रहा है जो जिससे आप मतलब पहले व्लॉग देखेंगे कभी कभार आता है, तो ही इज ड्राइविंग देयर एंड देन वी गो। गाइस जाने से पहले मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि वो देखिए पी समा खाते हुए, अल्बाइनो थोड़ा स्ट्रगल करता है खाने में, उसको खिलाना पड़ता है बिकॉज उसको अच्छे से दिखता नहीं है, एज इन अल्बाइनो उसको थोड़ा होता है कि वो देख रहे अच्छी तरह की होती, बट पीस का मुझे कोई टेंशन नहीं, वो यहाँ खाता रहता है, यहाँ से पत्ते खाते रहता है और मस्त होते खा रहा है। तो गाइस जो आ चुका से हाय, सो ही इज ड्राइविंग टुडे एंड वील को, आई मीन अगर आपने पहले देखा होगा तो मिले होंगे, वी यूज टू गो टुगेदर, वी हैव शॉर्ट फ्यू वीडियोस टुगेदर। सो अभी निकल रहे हैं हम लोग और फिश के पास, टब मैंने आपको दिखा दिए थे वो डाल दिया है, चलिए पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। So guys, these are the fishes we are taking out right now. इसमें कर रहे हैं और ये हैं देखिए कुछ अलग टाइप के प्लेकोस, ये भी ले रहा हूँ। गाइस जो की हालत ख़राब हो गई है, पूरा पानी इसके ऊपर आ गया है, कि फिश बहुत बड़ी थी और प्लस थैंक्स टू प्रशांत इज़ अ वेरी शाई गाय, सो ही डिडंट कम ऑन अ कैमरा, सो आई वांटेड टू हिम टू कम से हाय बट देन इज़ लाइक शाई है। तो अभी हम निकल चुके हैं वापस, इनको ले चलते हैं और फिर ट्रांसफ़र करेंगे और मज़ा आएगा। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं, फिश तो ठीक लग रही हैं, वो यूजली एल्बाइनो में हल्का सा हर्ट होता है तो वो हो जाता है, ये निकालने के टाइम नेट में हो गया होगा। सो अब इनको ले चलते हैं ऊपर और निकालते हैं। ये योगेश शर्मा रहे हैं, योगेश वीडियो में शर्माते हुए, और अभी हम उसको लेके जा रहे हैं ऊपर। आराम से लिफ्ट दबा ले। अब यहाँ पे लेके तो आ गए हैं इसको, अब आई एम जस्ट प्लानिंग की ये देखिए, तो दिस वाइट विल गो इनसाइड एंड दिस विल पुट इनसाइड, ये वाली यहाँ डाल देते हैं एंड देन विल सी। तो जस्ट टू एक्लिमेट विल ट्रांसफर लिटिल बिट ऑफ दिस वाटर है स्लोली,
So guys, I'm just transferring this white and one black for the inside pot to acclimate. गाइस इसको हम डालते हैं एक्लिमेट के लिए यहाँ पे, इसको होने देते हैं थोड़ी देर एक्लिमेट। सो लेट देम बी एक्लिमेट हियर और अब दूसरी वाली को हम चेंज करें। तो दो हमने ट्रांसफर कर दिए, अब इन तीनों को यहाँ पे डालूंगा। तो इनको भी ले लेता हूँ पानी के अंदर। ये वाली सबसे ज़्यादा एक्टिव है, इतनी जल्दी आराम से आएगी। मुझे पता था यही हम सभी लोग हैं। और इनको तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही डायरेक्ट डाल दूँ, क्योंकि लैक्रोस को इतना ज़रूरत पड़ती नहीं है एक्लिमेशन। तो प्लस वो कवर को भी फाड़ देंगी तो ट्रांसफर कर जाएगी। इन प्लेकोस का थोड़ा कलर और पैटर्न अलग है, आप देखिए काफ़ी अलग सी दिख रही हैं। बाकी ये अभी एक्लिमेट हो रही हैं और एक्लिमेट होके इनको हम रिलीज़ करते हैं। तो गाइस इतनी पावरफुल हैं कि वो प्लास्टिक से खोल के निकली आई वो खुद ही। सो लुक एट द साइज, ये है इनका साइज, इट्स ह्यूज। एंड द अदर वन इज दैट ब्लैक वन, काफ़ी प्यारी लग रही हैं। अब ये आराम से इसमें रहें, टच हो तो इनको कुछ होना मस्त है। दिस इज द ब्लैक, सो दैट्स द ब्लैक वन गाइस, काफ़ी ह्यूज है। और ये देखिए वाइट वाली भी काफ़ी बड़ी है। और धीरे धीरे ये हो जाएंगी एंड टच हो आराम से रहें। तो आप उनका साइज अच्छा खासा अभी देख सकते हैं, जब शाम को थोड़ा और पानी क्लियर हो जाएगा तो अच्छे से और दिखेगा। मेरे ही गवाना माशा दोनों। चलिए अब चलते हैं, वो बाहर वाली फिश को भी रिलीज कर देते हैं। वाली ये देखिए, रिफ्लेक्शन की वजह से ज़्यादा शायद ना दिखा पा रहा हूँ, बट ये क्या और शार्क वाली फीलिंग देते हुए काफ़ी बढ़िया लगती है, काफ़ी बढ़िया व्यू मिलते हुए। तो गाइस ये हो गया शाम का समय और मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि वो देखिए वो दोनों घूम रही हैं वहाँ पे, मस्त दिखती हुई। और ये शाम का व्यू कुछ ऐसा लग रहा है। तो अभी धीरे धीरे टाइम के साथ वो और एडजस्ट हो जाएंगी, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम ले रही हैं, बट ये लुकिंग ब्यूटी। और ये रहे हमारे टर्टल मास्टर, इसका भी वीडियो जल्दी बनाना है, काफ़ी टाइम हो गया है। आपको इसकी अपडेट देने हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करना है, क्योंकि टर्टल तो बहुत कम टॉपिक्स हो गए हैं मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है, बट टर्टल्स को दिखाना है। इसमें कुछ सोच रहा हूँ ऐड करने के लिए और फिशेस, तो आप बताइए कौन सी ऐड करें। मैं सोच रहा हूँ ऐसी वाली नियॉन वाली लेके आ दूँ, और देखिए कितनी प्यारी दिखती है, और हेड शॉट टेल तो है। तो गाइस ये था वीडियो ऑन अ शार्क दैट वी शिफ्टेड फ्रॉम प्रशांत, हम उससे लेके आए और हमने दोनों पॉन्डों में डाल दिए हैं, आपने देखा वो। तो काफ़ी यानी अभी तो ठीक चल रही है एंड देखते हैं धीरे धीरे कितनी बड़ी होगी, तो उस हिसाब से इसका हम चेंज करने का प्लान देखेंगे। सो गाइस अगर आप मेरा चैनल पहली बार ही देख रहे हैं तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, पॉन्ड इगुआनास टर्टल्स एंड एक्वेरियम और फिर एग्जॉटिक फिश शॉप्स,
एंड रेप्टाइल्स के यहाँ जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको ऐसे और ब्लॉग्स देखने हैं, ऐसे और पेट रिलेटेड देखने हैं, तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब एंड दबा दो, आपके लिए फ्री है बट हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। सो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दें। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, वीडियोस को देखते रहिए और चिल मारते रहिए। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, बाय।